हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब पे आपका स्वागत है। मैं हूँ अनिल बागुल, ऑटो रिक्शा ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो बहुत से ऑटो ड्राइवर जो फोर स्ट्रोक के, जो टू स्ट्रोक से फोर स्ट्रोक आने के बाद आपको क्या क्या गलतियाँ करते हैं और गाड़ी गर्मी के दिनों में क्यों और हीट होती है, यानी गर्मी के दिनों में जो गाड़ी का जो प्रॉब्लम हो जाते हैं उससे आपको जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है आज मैं देने वाला हूँ। तो बहुत से दोस्तों का जो कमेंट आया था तो उसके बारे में आज मैंने ये वीडियो बनाया है कि फोर स्ट्रोक गाड़ी आपकी जो पुरानी हो है तो उसको क्या आप करना चाहिए, उसमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो चलो, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आप समझ लें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो क्या मिस कर दिया है आपको पता ना चले। इसलिए वीडियो के जो स्टेप बाय स्टेप जितने छोटे छोटे टिप्स है वो पूरी तरह समझ लो, जान लो, आपको कभी भी गाड़ी को जो प्रॉब्लम होगा वो समझ। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये नेशनल हाईवे है जो मुंबई आगरा होके नासिक से जाता है। तो ये अभी फ़िलहाल नासिक का टेम्परेचर 40 डिग्री यानी 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो गर्मी के दिनों में अपनी फोर स्ट्रोक ऑटो बहुत ज़्यादा गर्म और हीट होती है। तो वो बहुत से ऑटो चालक जो है क्या गलतियाँ करते हैं और आपको क्या सोल्यूशन देने वाला, तो ये ध्यान से आप देख सकते और समझ सकते। मैं हूँ अनिल बागुल, आपके लिए ऐसे वीडियो लाता हूँ। जो पहली गलती करते, सबसे पहले गाड़ी चलाते समय क्लच पे हाथ रख के चलाते और गाड़ी गर्म होती है, ये एक पहला कारण है। दूसरा कारण जो है गाड़ी चलाते समय ब्रेक पे पैर रख देना, वो भी एक बड़ी गलती है जो बहुत से ऑटो ड्राइवर ब्रेक पे पैर रख के चलाते हैं, तो दोस्तों यह ना करें। तीसरा जो है गाड़ी चलाने के बाद आपकी जो गाड़ी के तीनों टायर का जो एयर प्रेशर है वो सही से ढंग से चेक करना। ये तो गाड़ी के टायर में अभी पत्थर निकाल दे रहा हूँ क्योंकि उससे ही गर्मी में पंचर हो जाती है टायर, तो ध्यान रखिए, ये भी आपको ख्याल रखना है गाड़ी चलाते समय। और दूसरा है अपने तीनों टायर की हवा का जो प्रेशर है, वो स्तर है, वो चेक कर लेना है, जो कम होने के कारण गाड़ी ज़्यादा भागती नहीं है और गाड़ी पिकअप नहीं लेती है। तो आपको तीनों टायर का जो एयर प्रेशर है कम से कम 40-50 के आसपास रखना है, उससे आपका माइलेज भी बढ़ेगा और आपको गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत ना हो और गाड़ी का इंजन गर्म ना हो, ये आपको ख्याल रखना है दोस्तों। और दोस्तों गाड़ी चलाते समय बहुत से ऐसे छोटे छोटे टिप्स है वो मैं आपको देने वाला हूँ, ख्याल रखना है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। और बाकी तो मैं आपके लिए मदद करने के लिए तैयार हूँ, ऑटो रिक्शा ज्ञान में आपको अलग अलग ऐसे टिप्स मिलते रहेंगे। तो आप चौथा है ऑयल लेवल, फोर स्ट्रोक गाड़ी का ऑयल लेवल हमेशा बराबर रखना है। तो उससे ऑयल लेवल कम होने के बाद भी आपको ऑयल लेवल बढ़ाता है, टॉप अप कर लेना है। ऑयल लेवल कम होने के बाद इंजन में जो क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट रहते हैं वो जल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और आपको भारी नुकसान उठाना पड़ता है और मशीन खोलना पड़ता है और मशीन स्विच भी हो सकता है। तो दोस्तों ऑयल लेवल हमेशा आपने देखना है, बराबर रखना है। दूसरा है दोस्तों जो क्लच प्लेट ख़राब जल जाती है, घिस जाती है बहुत ऑयल कम होने के कारण और गाड़ी ओवर हीट होती है और गाड़ी पिकअप नहीं करती। टू स्ट्रोक गाड़ी में वही प्रॉब्लम होता है, ऑयल लेवल या ऑयल पंप बंद होने के कारण गाड़ी ख़राब होती है। तो तुम आप लोगों को सभी को ऑयल का जो कंटेनर है वो साफ़ सुथरा वो धो लेना चाहिए, साफ़ करना चाहिए और ऑयल पम्प भी देख लेना चाहिए, उससे ही आपको पता चल जाएगा गाड़ी स्विच मार जाएंगे ख़राब ना हो, यही कारण रहता है टू स्ट्रोक में। फोर स्ट्रोक का और एक कारण ऐसा है, गाड़ी के अंदर कार्बोरेटर में जाने वाली हवा जो एयर फिल्टर के जरिए जाती, जो हवा कहाँ से जाती तो ये जगह है तो देख लीजिए, इसको थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए। और दूसरा है जो बैठने की जगह से, जो एक साइड में जो बैठने की जगह से वो जो पैसेंजर बैठते हैं तो हवा जाती नहीं और एयर फिल्टर के कार्बोरेटर में, कार्बोरेटर में पेट्रोल ज़्यादा और हवा कम, उसी के कारण गाड़ी गर्म होती है। तो सबसे पहले आप ये भी ध्यान रखिएगा एयर फिल्टर अच्छे से उसको हवा से साफ़ कर लेना है, जो कार्बोरेटर में अच्छी हवा जाए और ठंडा मशीन रहे और इंजन भी अच्छे से चले, तो ये आप फिल्टर ऐसे साफ़ कर लेना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको गर्मी के दिन में बहुत से प्रॉब्लम होती है तो ये भी एक उसमें से एक प्रॉब्लम है, आप बार बार गाड़ी चलाते समय ये एयर फिल्टर साफ़ कर लेना। उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो दोस्तों तो फिलहाल आपको गर्मी के कारण जो होने वाली दिक्कत है वो उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो बाकी वीडियो तो बहुत सारे मेरे चैनल पे, और पांचवा है पेट्रोल एयर पकड़ लेता है तो उसको ये कर सकते हैं आप। बहुत से गाड़ियों में फाइबर की टंकी रहती है और मेरी गाड़ी में मेटल की टंकी है, और पीछे जो बोनट है उसको छेद कर लीजिए या नया भी डाल सकते हैं आपके पास पैसा हो तो। और दोस्तों आप ये एक बात समझ लें, आप फोर स्ट्रोक गाड़ी चलाते हो और टंकी में कम से कम पेट्रोल
4 लीटर 5 लीटर के आसपास रखो, जिससे पेट्रोल की लेवल अच्छे से रहे और गाड़ी बंद ना हो। फिलहाल तो मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर मुझे लाइक करो, कमेंट करो और आगे आपके लिए अपडेट्स मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। चलो नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं कुछ नया। बाय।